बच्चों, आज कृषि एवं भौतिकी जलवायु विज्ञान में आंकिक प्रश्न बताने चल रहे हैं। जो टॉपिक आपको पहले वीडियो में भेजा गया उसी का पार्ट टू है। इसमें गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण पर आधारित आंकिक प्रश्न आपको बताए जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका कि 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के दो पिंड दिए गए हैं। देख, 10 किलोग्राम का है, दूसरा 500 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। इनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। इसके लिए आपको देखिए, दो पिंड दिए गए हैं, मानते हैं, माना दिया गया है। जो आपको हम देखते हैं, पहला पिंड यमुन बराबर 10 किलोग्राम दिया है। पहला पिंड दिया है यमुन बराबर 10 किलोग्राम, दूसरा पिंड यम2 बराबर आपको दिया है 500 किलोग्राम, बीच की दूरी r बराबर आपको दिया गया है 10 मीटर, और g का आप आंकिक मान जानते हैं। सभी लोगों को बताया गया था कि g का जो आंकिक मान होता है वो 6.67, g का जो आंकिक मान होता है 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11। आपको प्रश्न में दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा तो जी कैपिटल जी का जो आंकिक मान होता है वो 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये आपको जी का मान दिया। आपसे पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल, क्या पूछ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है। आपको मैंने फार्मूला बताया था, एफ बराबर होता है कैपिटल जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले में हम सब वैल्यू रख देंगे तो जी का मान 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11, यम1 का मान 10 गुणे यम2 का मान कितना दिया है आपको 500 दिया है, बटे आर का आर स्क्वायर होता है, आर का मान हो जाएगा 10 गुणे 10। कोई समस्या? 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, यानी कि आपका हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 और गुणे 10 5 50, ये इतना हो गया। अब इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो इसको गुणा करेंगे आप जब इसमें, तो हो जाएगा 3.34 गुणे 10 की घात 9। इसको जब गुणा कराएंगे तो आपको आ जाएगा ये 3.34 गुणे 10 की घात माइनस 9, और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। यह है आपका पहला आंसर हो गया। समझ में आई बात? ये पहला क्वेश्चन है। इसी के साथ जल्दी से आपको एक दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, देखिए क्या होगा दूसरा क्वेश्चन इसमें आपको दिया है। दूसरा प्रश्न है आपको इसमें यह दिया है कि पांच पांच किलोग्राम के दो पिंड, अगला क्वेश्चन है, यह प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न एक बार मैं पूरी तरीके से पढ़ दे रहा हूं, अच्छे तरीके से सुन लीजिए सभी लोग। लिखा है कि 5-5 किलोग्राम के दो पिंड एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करना है। आपको प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 2, यम1 बराबर दिया है 5 किलोग्राम और यम2 का भी मान, दोनों द्रव्यमान दोनों पिंड कितने किलोग्राम के हैं? 5-5 किलोग्राम के। तो यम1 और यम2 का मान आपको दे दिया है प्रश्न में, और इनके बीच की दूरी r होती है, r बराबर भी 10 दिया है, 10 मीटर दिया है। आपसे कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल F का मान पूछ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछ रहा है। हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा से जानते हैं कि F बराबर होता है कैपिटल G यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर, यही होता है, हमें सब वैल्यू पता है। रख देते हैं F बराबर G का मान 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11, यम1 का मान दिया है 5 गुणे यम2 का मान दिया है 5 बटे 10 गुणे 10 हो जाएगा। कोई समस्या? देखिए यहाँ 5 से 5 एक 5 एक कम 5 5 दूना 10 5 एक कम 5 5 दूना 10 F बराबर हो जाएगा 6.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 बटे 4, 2 × 4। जब इसको हम भाग करेंगे 4 से तो हम पाएंगे 1.67, इसको जब भाग करेंगे तो 1.67 गुणे 10 की घात माइनस 11 न्यूटन। तो ये आपको आज गुरुत्वाकर्षण पर आधारित दो प्रश्न बताए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से देखिएगा, कोई समस्या होगी तो फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से पूछेगा। वीडियो देखते रहें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद।